तो देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स इन मार्च 2023। 25th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है, जिसने काफी लंबे समय के बाद टॉप 25 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना ली है और पिछले महीने महिंद्रा थार के 5008 यूनिट बिक चुके हैं। लेकिन पिछले साल के मार्च महीने में 3893 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार आपको महिंद्रा थार के सेल्स में लगभग 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसका सेल अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है, शायद ये और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है अगर महिंद्रा कंपनी इसकी डिलीवरीज वक्त पर दे देती है। अगले कुछ दिनों में थार को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी जिम्नी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जिसको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिम्नी थार को टक्कर दे पाती है कि नहीं। आपको क्या लगता है, मारुति सुजुकी की जिम्नी थार को हरा पाएगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 24th पोजीशन पर XUV700 आई है, जिसके लास्ट मंथ 5107 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च महीने में 6040 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर XUV700 के सेल्स में लगभग आपको 15% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और इस गिरावट के पीछे वेटिंग पीरियड का सबसे बड़ा हाथ है। 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV300 आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV कार है, और XUV300 के लास्ट मंथ 5128 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 4140 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको XUV300 के सेल्स में लगभग 24% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 22nd पोजीशन पर किया की करेंस आई है, इस कार के लास्ट मंथ 6102 यूनिट बिके है, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 7008 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको किया करेंस के सेल्स में लगभग 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस गिरावट के बावजूद भी किया करेंस की डिमांड अच्छी खासी है, इस कार के ऊपर आपको अच्छा खासा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा और ये कार 7 सीटर सेगमेंट के अंदर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। 21st पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी लेकिन अब 21st पोजीशन पर जा चुकी है, और किया सेल्टोस के पिछले महीने 6,554 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मार्च में 8,415 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको किया सेल्टोस के सेल्स में लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। बहुत सारी रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि किया कंपनी सेल्टोस के फेसलिफ्ट मॉडल को मिड 2023 तक इंडिया में लॉन्च करेगी, यानी जून या फिर जुलाई के आसपास आपको किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेक श्योर करना कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। 20th पोजीशन पर हुंडई की i20 आई है, जो कभी टॉप 10 लिस्ट में होती थी लेकिन अब i20 की पोजीशन 20वें नंबर पर जा चुकी है, और पिछले महीने i20 के लगभग 6596 यूनिट बिके हैं और लास्ट ईयर के मार्च में 4693 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको i20 के सेल्स में लगभग 41% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 19th पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जिसके सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे और पिछले कुछ महीनों से टाटा कंपनी टियागो के अंदर काफी ज्यादा अपडेट्स ला चुकी है। तो यहाँ पर आपको टाटा टियागो के अंदर काफी बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पिछले महीने टाटा टियागो के 7366 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के मार्च में 4002 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा टियागो के सेल्स में लगभग 84% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये कार आने वाले समय में टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह आराम से बना सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 18th पोजीशन पर इनोवा और हाईक्रॉस आई है, हालांकि ये डेटा मैं कंबाइन में आपको बताऊंगा। इन दोनों ही कारों को मिलाकर पिछले महीने 8075 यूनिट बिके है। तो यहाँ पर अच्छा खासा सेल हुआ है इनोवा क्रिस्टा का और हाईक्रॉस का, लेकिन लास्ट ईयर इनोवा क्रिस्टा के 7917 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, और किया सोनेट का भी फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, शायद उसके बाद किया सोनेट के सेल्स में इंप्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन लास्ट मंथ किया सोनेट के 8677 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के मार्च में 6871 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग 26% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 16th नंबर पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, और स्कॉर्पियो काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। पिछले महीने स्कॉर्पियो के 8788 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में सिर्फ 6061 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो के सेल्स में लगभग 45% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और ये जो डेटा मैंने आपको बताया है लास्ट मंथ का, ये स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल मिलाकर हुआ है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा सेल देखने को मिल जाएगा। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, ये कार टॉप 10 लिस्ट में होती थी
लेकिन इस कार के ऊपर काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड चल रहा है। हालांकि इस कार के सीएनजी मॉडल की भी डिमांड काफी ज्यादा है और इस कार के ऊपर ज्यादा वेटिंग पीरियड होने की वजह से इस कार का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो ये कार फिर से टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना लेगी। लेकिन लास्ट मंथ अर्टिगा के 9028 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 7888 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 14th नंबर पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है, जो कभी फर्स्ट पोजीशन पर आती थी, कभी सेकंड पोजीशन पर रहती थी, कभी थर्ड पोजीशन पर रहती थी, यानी टॉप 5 लिस्ट के अंदर अल्टो हमेशा रहती थी। लेकिन अब अल्टो की पोजीशन 14th नंबर पर जा चुकी है। लास्ट मंथ अल्टो के 9139 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 7621 यूनिट बिके है। लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पर आपको अल्टो के सेल्स में लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 13th नंबर पर हुंडई की i10 न्योस आई है, जिसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार के अंदर भी हुंडई कंपनी ने काफी ज्यादा अपग्रेड्स लाए हैं। हालांकि इसके एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और इसका इंटीरियर पहले के मुकाबले थोड़ा सा अपडेट हो चुका है। पिछले महीने i10 न्योस के 9304 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 9687 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 12th नंबर पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और ये जो डेटा मैं आपको बताऊंगा ये बोलेरो और बोलेरो नियो प्लस मिलकर हुआ है। पिछले महीने बोलेरो के 9546 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 6924 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको बोलेरो के सेल्स में लगभग 38% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन बोलेरो सेगमेंट के अंदर बहुत जल्दी महिंद्रा कंपनी एक न्यू कार को लाने वाली है, जिसकी पोजीशन आपको बोलेरो नियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस कार के डायमेंशन थोड़े से बड़े रहेंगे, यानी ये बोलेरो और बोलेरो नियो के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहेगी हाइट के मामले में, विड्थ के मामले में और लेंथ के मामले में, और इस कार के अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बोलेरो नियो प्लस नाम की कार बहुत जल्दी महिंद्रा की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। 11th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जिसका सेल इंडिया में अच्छा खासा हो जाता है और पिछले महीने हुंडई वेन्यू के 10024 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 9220 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में लगभग 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि वेन्यू का सीएनजी मॉडल इस साल या फिर अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। 10th नंबर पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आती है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और इस कार ने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका सा मचा रखा है। इस कार के हर महीने 9000, 10000, 11000 यूनिट बिक जाते हैं और लास्ट मंथ यानी मार्च 2023 में 10045 यूनिट बिके थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार की वजह से क्रेटा का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा सेल्टोस टाइगन कुशक एस्टर के सेल्स के ऊपर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है। 9th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है, जिसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हालांकि टाटा कंपनी ने इस कार को माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के अंदर उतारा था, जिस सेगमेंट को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन जब से टाटा पंच इंडिया में लॉन्च हुई है इस कार का सेल 9000, 10000, 11000 के आसपास चला जाता है और हर बार टाटा की पंच टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बना लेती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा पंच की डिमांड कितनी ज्यादा है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 10894 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और लास्ट ईयर के मार्च में लगभग 10526 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन पिछले साल भी टाटा पंच के 10000 के ऊपर यूनिट बिके थे, तो भाई ये कार इंडियन मार्केट में तबाही सी मचा रही है। इसका सीएनजी मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। इसके अंदर टाटा कंपनी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी देने वाली है, यानी जिन लोगों को गाड़ी चलाने के मजे लेने हैं वो लोग इस मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं और टाटा पंच ईवी भी अगले साल या फिर इस साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जिसका सेल कभी काफी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी इस कार की पोजीशन 15 के नीचे भी चली जाती है। हालांकि इस कार के सेल्स में आपको काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन पिछले महीने इको के 11995 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 9221 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर सीएनजी किट भी दिया जाता है। 7th नंबर पर डिजायर आई है, इसके भी सेल्स में आपको थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन लास्ट मंथ डिजायर के 13,394 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में 18,623 यूनिट बिके थे, तो यहाँ पर आपको डिजायर के सेल्स में लगभग 28% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 6th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। हुंडई क्रेटा के पिछले महीने 14,026 यूनिट बिके है और लास्ट ईयर के मार्च में
10,532 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में 33% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। क्रेटा का फर्स्ट मॉडल इस साल के एंड तक या फिर अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। फिफ्थ पोजीशन पर टाटा नेक्सन आई है, जो कि इंडिया की अब सेकेंड मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये इंडिया की नंबर वन मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार थी। फर्स्ट पोजीशन पर इस बार दूसरी एसयूवी कार आ चुकी है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 14,769 यूनिट बिके हैं, लेकिन लास्ट ईयर के मार्च में 14,315 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में लगभग 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो टाटा नेक्सॉन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। फोर्थ पोजिशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है, जिसके सेल्स में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और बलेनो के लास्ट मंथ 16,168 यूनिट बिके है, और लास्ट ईयर के मार्च में 14,520 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको बलेनो के सेल्स में 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर ब्रेजा आई है, जो कि अब इंडिया की नंबर वन मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। और ब्रेजा के पिछले महीने 16,227 यूनिट बिके हैं, और लास्ट ईयर के मार्च में 12,439 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में 30% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और ये कार काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ भी ये फर्स्ट पोजिशन पर आई थी। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है, जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन सेफ्टी के तौर पर इस कार को 0 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो इसी वजह से ये कार मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग वैगनआर को खरीद लेते हैं, और लास्ट मंथ वैगनआर के 17,305 यूनिट बिके हैं, और लास्ट ईयर के मार्च में 24,634 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको वैगनआर के सेल्स में लगभग 30% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट पोजिशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है, जो कि इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। और स्विफ्ट को सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, लेकिन फिर भी इस कार का सेल काफी ज्यादा होता है इंडिया में। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 17,559 यूनिट बिके हैं, और लास्ट ईयर के मार्च में 13,623 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर स्विफ्ट के सेल्स में लगभग 29% की ग्रोथ हो चुकी है। तो ये 25 कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, इस टॉप 25 लिस्ट के अंदर आपको महिंद्रा की बहुत सारी कार्स देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर अब थार आ चुकी है, XUV700 आ चुकी है, XUV300 पहले से ही रहती है, उसके बाद स्कॉर्पियो ने भी अपनी जगह बना ली है, और बोलेरो हमेशा टॉप 25 लिस्ट में रहती थी। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा का सेल्स काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिल जाएगा। वैसे टाटा ने भी काफी कमाल किया है पिछले कुछ महीनों से। इसके बाद मैं टॉप सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो आप मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।